अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा टाइप्स कितने हैं पाइथन में और किस तरह से यूज होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेदर इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट एक्सेट्रा। कह रहा है कि पाइथन में जो है डेटा टाइप्स वो वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं कि क्या वो इंटीजर है या वो फ्लोट है या वो जो है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट है या वो स्ट्रिंग है या टपल है, तो वो डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद पाइथन जो है पाइथन डेटा टाइप्स से डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज, जो चार कैटेगरीज में दो टाइप्स में डिक्लेयर हैं और दो टाइप्स में तीन तीन जो डेटा टाइप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो डेटा टाइप्स है वो तीन तीन टाइप्स हैं क्या। तो सबसे पहले इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, उसमें नंबर वन पर है न्यूमेरिक, नंबर सेकंड पर है स्ट्रिंग, नंबर थर्ड पर है टपल। तो सबसे पहले है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक ऐसे कि इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, या आपका इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कोई, यह आपका न्यूमेरिक नंबर कहलाता है, यह आपकी न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन, द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज इन पाइथन इज कॉल्ड एसटीआर। कह रहा है कि पाइथन में सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर, किसी भी लेटर्स के सीक्वेंस को, जैसे कि ब्रॉक है बी यू आर ए क्यू यू ई, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रिंग। तो पाइथन में जो है स्ट्रिंग हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, एस टी आर लिख कर हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, एस टी आर। तो और ये जो हम डिक्लेयर करते हैं तो हम सिंगल कोट या डबल कोट से हम ये डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा टपल। टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, विच मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन राउंड ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। कह रहा है कि टपल जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है पाइथन में, और ये सेपरेट होता है कामा में बंद हो, ब्रैकेट में बंद होकर सेपरेट होता है कामा से। इसमें हम एक लिस्ट बना सकते हैं किसी भी नंबर्स की या किसी भी लेटर्स की या किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की। तो ये है लिस्ट आपकी, ये है टपल। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप डिक्लेयर किया। न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको बताया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है इंटीजर होता है, फ्लोट होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, नम इज इक्वल टू 100, ये हो गया आपका इंटीजर, ठीक है, कोई भी नंबर है यह आपका इंटीजर हो गया। उसके बाद मैं नम वन डिक्लेयर करता हूँ, आपका नंबर हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 6j प्लस, ठीक है, 7 कर देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट में, जिस नंबर में पॉइंट हो उसको हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू 7.7 में कर देता हूँ, उसके बाद मैं ये लगा देता हूँ टर्मिनेटर। उसके बाद पेरेंट करते हैं हम, ठीक है, ये हमने नम डिक्लेयर किया है, सॉरी यहाँ पर यह हमने नम 3 कर देना था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ नम, ठीक है, ये नम प्रिंट हो यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर हमारे हो प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर नम 2 कर देता हूँ, ये वैल्यूज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। प्रिंट फिर से एक प्रिंट करवा देता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं नम 3 कर देता हूँ, मतलब ये हमारे तीनों नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। ये जो न्यूमेरिक मैंने डेटा टाइप आपको कहा ये उसका एग्जांपल है, आपको ये मैं रन करके देखता हूँ, रन करवा के देखता हूँ, ये आपका प्रिंट हो चुका है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे थे कि स्ट्रिंग, ठीक है, एसटीआर से डिक्लेयर होता है स्ट्रिंग, और कोट में हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने ब्रॉक लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने पैराग्राफ अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप डबल कोट में लिखोगे स्ट्रिंग उसको, मतलब ये आपके डबल कोट ये जो होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे अगर आप पैराग्राफ कोई लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एसटीआर आप यहाँ पर लिखोगे, जो भी आपने डिक्लेयर किया है, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एसटीआर का, वो आप यहाँ पर प्रिंट की कंडीशन पर लिखोगे, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका ब्रॉक प्रिंट हो चुका है। उसके बाद आपका मैंने टपल, एक आपको मैंने बताया कि टपल भी है डेटा टाइप, तो टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो आप एक नम दे दो, ठीक है, उसके बाद इक्वल दे दो, फिर आप ये ब्रैकेट दे दो, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं 6 कर रहा हूँ, इसमें मैं 7 कर रहा हूँ, इसमें मैं 8 भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करने के बाद मैं वैल्यूज कह रहा हूँ कि मेरे जो हैं, जो मैंने वैल्यूज ये डिक्लेयर किए हैं नम में, वो मेरा ये प्रिंट हो जाए, ठीक है,
ये मैं यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देता हूँ, उसके बाद मैं ये रन कर रहा हूँ, तो ये आपके यहाँ पर टपल प्रिंट हो चुका है। तो ये थे आपके बेसिक डेटा टाइप्स, ये जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, तो ये हमने डिक्लेयर कर लिए।